वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से किसी कारण से थोड़ा बिजी था, वीडियोस नहीं आ पाए थे, तो आप कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें जब तक DSSB के एग्जाम्स होने हैं तब तक। तो देखते हैं जो हम पिछला वीडियोस बना रहे थे उससे अब आगे की वीडियोस देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। संख्याएँ हैं जो ओड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7 जो ओड नंबर हैं, इनकी यदि 25 तक मल्टीप्लाई की जाए तो गुणनफल का जो प्राप्त गुणनफल होगा उसके दाईं ओर, प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे। तो यदि हम कुछ ओड नंबर हैं 1, 3, 5, 7 इस तरह से जो मल्टीप्लाई करते जाएं 25 तक, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो याद रखेंगे जब भी कभी आपको ओड नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो, की जा रही हो, तो जो प्राप्त गुणनफल होगा, आंसर होगा, वो अपने आप में ओड नंबर ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो शून्यों की संख्या होगी वो जीरो होगी। ओड नंबरों की आप कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 × 5 में करें या 5 × 7 में करें या 7 × 9 में करें, तो कभी भी ऐसा नंबर प्राप्त नहीं होगा जिसके लास्ट में जीरो आ रहा हो, दाईं ओर लास्ट में जीरो आ रहा हो। अच्छा, तो ओड नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर कभी भी जो लास्ट में जीरो नहीं आएगा। यदि इवन नंबर हो तो जो है 5 की मल्टीप्लाई जैसे मान लो 4 में की जाए तब तो जीरो आ सकता है। और याद रखेंगे जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई 5 में की जा रही है और 7 में कोई भी ओड नंबर हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो या 7 हो, कोई भी नंबर हो, तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वो अपने आप में ओड नंबर ही होगा। 5 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है। भाई 5 × 3 = 15, 5 × 7 कोई भी हो नंबर हो, लास्ट में जो है 5 ही प्राप्त हमें होगा। तो इन सारे नंबर्स में एक संख्या वो भी थी जिसके लास्ट में 5 था। इस तरह से जो प्राप्त गुणनफल होगा उसके लास्ट में 5 ही आ रहा होगा। तो इस तरह से राइट आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल है उसके सारे अंक जो है वो 3 हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर सारे अंक 3 आ रहे हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो बेसिकली हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सारे जो नंबर्स हैं वो 5 डिजिट के हैं, 7 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो एक डिजिट बढ़ जाएगा। मैं मान लीजिए आप 50 × 7 में करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 अंकों की संख्या आएगी। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 7 से गुणा करने के बाद ये एक जो है नेक्स्ट उसमें डिजिट में चला जाएगा, तो 6 अंकों में पहुंच जाएगा। तो हम ऑप्शंस के रख के मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा 3, 3, 3 प्राप्त करने में। तो हमें यह अंदाज़ा हो गया कि जो प्राप्त गुणनफल है वो ये हो सकता है कि 6 × 3। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाना चाहिए। 7 × 28, 5 × 3 उतार लिया, 7 × 7 = 49, 4 × 3 उतारा, 7 × 6 = 42, 1 बचा, 7 × 7 और 7 × 3 = 63। तो 47,619 जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप समझेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। इस तरह आप रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं और बेसिक चीज़ें जो है मैथ्स की वो आप सीख सकते हैं। तो हमने 6 अंकों की 3, 3, 3 ले लिया और जब डिवाइड करने के बाद हमने आंसर निकाला तो 47,619 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। दो संख्याएं हैं 2272 और 875, इनको किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है सेम संख्या से और शेषफल भी जो है हमारा सेम ही बचता है, बराबर शेषफल जो है बचता है। मान लो किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 3 अंकों की संख्या से, 3 अंकों मान लो 150 से डिवाइड करता है तो बराबर हमारा शेषफल बचता है और उसी सेम संख्या से डिवाइड किया जाता है। तो अब ये कहा गया कि ये जो संख्या है n, इसके अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो अंकों का योग जो है हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझने का ये क्वेश्चन है, क्या है, यदि संख्या 2272 भी डिवाइड होती है उस संख्या से, 875 भी डिवाइड होता है उस संख्या से। भाई मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 7 से जो है हमारा 28 भी डिवाइड होता है और 7 से हमारा 21 भी डिवाइड होता है, तो 7 से इनका अंतर भी डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि वो ये दोनों जो नंबर है वो इसके n के टेबल में आते हैं, क्योंकि इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों को वो डिवाइड कर रहा है, तो इनके अंतर को, डिफरेंस को भी वो डिवाइड करेगा। तो दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहे हैं फिलहाल, तो 2272 को और 875 के डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा देख लेते हैं, अंतर भाई 12 में से 5 गए 7 बचे, 16 में 7 गए 9 और 21 में से 8 गए 1397 हमारा बच जाएगा। अब 1397 जो है उस संख्या से डिवाइड हो रहा होगा, तो अब हम देखते हैं 1397 किस किस संख्या से डिवाइड होता है।
9 × 1 = 10, 7 × 3 = 10 भाई 2, 3, 5, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड हो रहा है। जो इवन नंबर्स का जो योग है ओड नंबर के योग का अंतर 0 आ रहा है। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 × 11 = 2 2 बचे 11, 2 = 22 7 बचे 11 = 77। तो वो जो संख्या है इसका अंतर करने के बाद ये आया, और वो अंतर 11 और 127 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके जो फैक्टर आ गए 11 × 127 आ गए। तो एक कहा गया था कि वो संख्या कौन सी जो 3 अंकों की हो, तो 3 अंकों की संख्या 127 हमारी हो जाएगी। तो राइट आंसर 127 हो जाएगा, और इसके अंकों का योग जो है वो 10 आ जाएगा। देखते हैं इसका डिटेल मेथड क्या होगा। तो कोई संख्या है 2272 को डिवाइड किया गया है n से, तो मान लीजिए m बार डिवाइड होता है, n से डिवाइड किया और शेषफल x बचता है, और संख्या आ गई हमारी 2272। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली इक्वेशन से हमने इसको कर दिया। और दूसरी संख्या क्या है, वो 875, उसको डिवाइड करने पर n आता है, और n से डिवाइड किया जा रहा है, शेषफल बराबर बच रहा है, और दूसरी संख्या 875। सोल्व करेंगे इसको, निशान चेंज कर देंगे, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। x से x कैंसिल हो गया, इसको माइनस करने वाला वही आएगा 1397, और इधर जब हम करेंगे तो n कॉमन आ जाएगा और m माइनस n, तो यानी कि ये इक्वेशन बन गए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 1397 आना चाहिए, फिर हमें वही करना पड़ेगा, 1397 के हम एलसीएम लेंगे, और वो किन दो नंबरों से जो है हमारा आ रहा है। तो 1397 का एलसीएम ले लिया जाएगा, वही हो जाएगा जो 11 से कराया, और हमारा 127 आ जाएगा। तो इस तरह जो राइट आंसर है वो 127 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। दो क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो दो क्रमागत जो है सम पूर्णांक हैं, दो कंसेक्यूटिव सम इंटीजर्स हैं। तो मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम 8 और 6 ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 6 का 36 आ जाएगा, माइनस कर देंगे, 14 में से 6 गए 8 बचे, और 5 में से 3 गए 2 बचे 28 जो है हमारा अंतर आ रहा है। तो इस तरह से ये जो 28 है किससे डिवाइड हो रहा है, ये 4 से जो है बेसिकली डिवाइड हो रहा है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। कोई और भी संख्या ली जा सकती है, मान लीजिए 8 और 10 ले लीजिए, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 10 का 100 आ गया, 164 आ जाएगा, ये भी जो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 4 हो गया। करने का डिटेल मेथड क्या होगा भाई, पहली संख्या जो है हम ले लेंगे 2x, और दूसरी हो जाएगी 2x + 2, x जो है कोई हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो दोनों का अंतर करना है, तो हमें बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर में से छोटी वाली संख्या के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 4x² से 4x² कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8x। ठीक है, तो बेसिकली 4 को माना जाएगा, और 1 + 2x + 1 ये हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा। तो 4 से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहाँ पे जो है सम विषम पूर्णांक थे, जो लगातार आने वाले सम नंबर थे 10, 12, 12, 14, 16, 18। अब यहाँ पे 1, 3, 5, 7 विषम जो है पूर्णांक हैं, जो कि कंसेक्यूटिव होंगे, क्रमागत होंगे, यानी कि 5 के बाद मान लीजिए 7 इस तरह, या 7 के बाद 9। तो दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को भी हम कुछ क्वेश्चन के जो है वैल्यूज रख के देख सकते हैं। भाई 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और 7 से पहले 5 का 25 आएगा, माइनस किया 24। 24 किससे भाई, मैक्सिमम नंबर से 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर आपको देखना पड़ेगा। 9 और 7 का ले लेते हैं, भाई 9 का जो स्क्वायर आएगा वो 81 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर जो होगा वो 63 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 16 आएगा, ये भी जो हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली आप याद कर लेंगे, यदि सम संख्याओं के वर्गों का अंतर है तो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा, और यदि विषम संख्या है और उसके वर्गों का अंतर कहा गया है तो वो 8 से हमेशा डिवाइड होगा। एक संख्या के बाद दूसरी संख्या का जो अंतर आएगा वो 8 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, इसका डिटेल मेथड क्या होगा, मैं मान ली, हाँ तो दो संख्या ले लीजिए, मान लीजिए एक आ गई 2x + 1, और दूसरी आ जाएगी छोटी वाली संख्या वो 2x - 1। भाई दो की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 जो है ओड नंबर हमारे निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि ओड है इसके प्लस वन क्या, और इवन थे तो हमने 2x + 2 कर दिया था, 2x और 2x + 2। अब इनके वर्गों का अंतर कीजिए भाई, ये वर्ग हो गया इसका स्क्वायर, ये भी जो है वर्ग हो गया, तो दोनों का वर्ग का अंतर करेंगे। आपको पता होगा a² + b² जब होता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में जो है हम इसको कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस में करेंगे हम कितना आएगा, या चाहें तो आप जो है इसको ब्रैकेट को खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहले ब्रैकेट खोलते हैं, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 2 और माइनस का प्लस का 4x, इसको करेंगे
तो माइनस का निशान लगा के 2x2 4x2 प्लस का 1 माइनस का 4x, ठीक है, लास्ट वाला जो है माइनस में आ जाएगा। तो 4x2 से 4x2 बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का निशान है और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 1 कट जाएगा और 4x और 4x जो है हमारा प्लस करने के बाद ये 8x हमारा आ जाएगा, तो यानी कि 8 से जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको आप दूसरे वाले फॉर्मूले से a² + b² - b² का दूसरा फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। एक बार प्लस में करेंगे यदि हम इसको, तो 2x + 1 और उसमें 2x - 1 को ऐड करेंगे, प्लस का 2x - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और एक बार माइनस करना है तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x + 1, इसमें से माइनस करना है 2x, और जब माइनस करना है तो माइनस माइनस का प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4x, और इधर जो है 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 और 1 2, तो तब भी 8x आया और 8 जो है कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी कि वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी इसके अंतर को। तो डिटेल भी कर सकते हैं यदि टाइम है तो, वरना शॉर्ट में आप वैल्यूज़ रख के इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक संख्या है, कोई संख्या 6n² + 6n, ये किससे डिवाइड होगी, ठीक है। तो बेसिकली 6 से तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि 6 से जो ये डिवाइड हो रही है, तो भाई 6 कॉमन ले लेंगे, 6 और n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे n प्लस में 1 रह जाएगा, 6n² + 6n हमने कॉमन ले लिया। अब n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कुछ भी जो है रखी जाएगी, तो कम से कम जो हम वैल्यू होगी वो 1 रखेंगे, तो ये 6 + 6 बाहर तो 6 आ जाएगा और अंदर 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो 6 × 2 ठीक है 12 आएगा। इस तरह से यदि 2 रखा जाएगा तो भाई 2 रखने पर 2 × 1 = 3 आ जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा 6 × 2, भाई बाहर कितना हो जाएगा 6 × 2 और 6 × 3 जो है बाहर, फिर अगर 3 हम रखेंगे तो 3 रखने पर क्या होगा भाई 6 × 3 और ब्रैकेट में क्या है n + 1, तो 6 × 3 और यहाँ पे 3 × 1 = 4 आ जाएगा। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि n n + 1 आ रहा है 6 के साथ, भाई क्या बन रहा है ये 6 × n × n + 1, तो यानी कि अगर हम कम से कम एक भी रखें, एक रखेंगे तो 6 और ये इवन हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो ये दोनों हो जाएगा, तो यानी कि 6 और 12 दोनों से जो है डिवाइड हमारी होगी ही होगी। आप कोई भी वैल्यू 1, 2, 3 रखेंगे तो 6 और 12 से ये डिवाइड होनी तय है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, 6 और 12 दोनों से ये डिवाइड हो जाएगी, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।